भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिस संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? और आप संविधान हमें सिखाते हो? मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। आदरणीय सभापति जी, जब खड़गे जी ऐसी बातें बोलते हैं तो जरा पीड़ादायक लगता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है, करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था, और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आदरणीय सभापति जी, दर्जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। इमरजेंसी में पिछली सरकार में 10 साल ये कैबिनेट में थे खड़गे जी, क्या हुआ था? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था, और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? किस हैसियत से फाड़ा गया था? आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में लिखित रूप में प्रोटोकॉल की व्यवस्था है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, सब कैसे कहां होते हैं? कोई मुझे बताए कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथमिकता कैसे दी जाती थी? कौन सा संविधान था? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों बाद में, एक परिवार के लोग पहले, कौन से संविधान की मर्यादा रखी थी आपने? और आज
संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो, आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है, उसके जहन में। आदरणीय सभापति जी, इस पूरी चर्चा के दरमियान उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात निकली तो कि अरे वो तो बहुत पुराना हो गया। क्यों, आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं क्या? आदरणीय सभापति जी, इस हाउस में कोशिश की गई संविधान की बात करना, लेकिन इमरजेंसी को कभी भी आने नहीं देना, ये चर्चा करने का अनुभव है। लेकिन ये देश, इनके साथ जो लोग बैठे हैं उसमें भी बहुत लोग हैं जो इमरजेंसी के भुक्त भोगी रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां होगी कि आज उनके साथ उन्होंने बैठना पसंद किया है। मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है, संविधान के प्रति समर्पण का भाव होता तो ऐसा नहीं करते।